इंटरफेथ पे उनके नाम से वो चेयर्स भारत सरकार इस्टेब्लिश करेगी। सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, सभी विदेशी दूतावासों में जो भारत के हैं, स्पेशल इवेंट्स इसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाए जाएंगे। सिक्के, कॉइन्स और पोस्टल स्टैम्प्स भारत सरकार इस 550वें वर्ष के उपलक्ष में रिलीज करेगी। उनके जीवन और टीचिंग्स के ऊपर विशेष कार्यक्रम और गुरबाणी दूरदर्शन पे, ऑल इंडिया रेडियो पे उसका प्रसारण किया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट सभी भारतीय भाषाओं में उनके जीवन और टीचिंग्स के समक्ष में पब्लिकेशंस तैयार करेगा और यूनेस्को को रिक्वेस्ट की जाएगी कि वर्ल्ड लैंग्वेजेस में भी उसका अनुवाद किया जाए। रेलवे मंत्रालय उनके साथ जो संबंधित विभिन्न महत्व के तीर्थ स्थान हैं और गुरुद्वारे हैं वहां के लिए स्पेशल ट्रेन्स इस वर्ष चलाएगा। ये एक प्रमुख निर्णय था जो आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। अब मैं बाकी विषय बता दूं प्रश्न आपको। दूसरा, सिलवासा में जो दादर और नगर हवेली में है, दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए एक मेडिकल कॉलेज जिसके माध्यम से वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेंगी, 150 सीट एनुअली, उसकी स्थापना को आज मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। एक स्वास्थ्य विभाग का एक प्रस्तावना थी जिसको आज अप्रूव किया है और संसद में उसको पेश किया जाएगा, द अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल 2018। जितने भी आपके अलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज के प्रोफेशनल्स हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, डाइटिशियंस हैं, इस तरह की बहुत अधिक मात्रा में सर्विसेज हैं, अलाइड मेडिकल सर्विसेज, उनकी रजिस्ट्रेशन, उन प्रोफेशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, उसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसका एजुकेशनल एक्सपेंशन की सुविधाएं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी डिमांड देश में भी है और देश के बाहर भी है, और इसलिए एक बिल इनके तमाम, उसकी एक काउंसिल बनेगी जो कि बाकी प्रोफेशनल काउंसिल्स के लाइंस पे होगी, और इस बिल को उस स्टैंडर्डाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, उसको गाइड करने के लिए इस बिल को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मैंडेटरी जूट पैकेजिंग फॉर द ईयर 2018-19, वो 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक। इसका जो एक्ट गवर्न करता है, जूट पैकेजिंग मटेरियल्स एक्ट 1987, इसके तहत इस वर्ष की जो पॉलिसी है फूड ग्रेन्स 100%,
पहले 80 हुआ करते थे और शुगर 20%. इसके अतिरिक्त इसकी और भी कुछ डिसीजंस लिए हैं, वो डिटेल्ड प्रेस स्टेटमेंट में आपको मिल जाएंगे. दिस इज फॉर द ईयर 2018-19. ये अदर बैकवर्ड कास्ट की जो सब कैटेगराइजेशन का कमीशन वर्क कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आनी है, तो उसकी जो अवधि है वो 31 मार्च 2019 तब एक्सटेंड की गई है. ये कुछ प्रमुख आइटम्स थे जो मंत्रिपरिषद के सामने आज निर्णय लिए गए. और दूसरा, ये जो मेडिकल कॉलेज जो सिलवासा वाला है, उस पर उसका क्या प्लान है, कॉस्ट कितना आएगा उस पे? अभी खर्चे का एस्टिमेशन किया जाएगा, पर जितना भी खर्चा होगा 100% फंडिंग इज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज है, उसमें स्प्रेड ओवर 2 ईयर्स 189 करोड़. कहा जाएगा या उनसे बात की? उनसे निश्चित रूप से सरकार की बातचीत होगी और हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि हम जो भारत की साइड की पूरी सुविधा है वो प्रोवाइड करेंगे और इसको एक बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुविधा होगी, क्योंकि ये एरिया वो होगा जहाँ से लोग सीमा पार करेंगे और जो सीमा पार नहीं कर सकते वो इसी तरफ से देखेंगे, उनको टेलीस्कोपिक फैसिलिटी भी मिलती है. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जैसे सुविधा होती है, जो मॉडर्न एयरपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल, उसी प्रकार की वीज़ा की, ट्रांजिट की, कस्टम्स की सारी सुविधाएँ यहाँ पर रहेंगी और जो यहाँ से देखेंगे वो भी सुविधा यहाँ पर रहेगी. और दूसरी तरफ क्या सुविधा देते हैं वो पड़ोसी देश के अधिकार क्षेत्र में आता है. यस यस, लेटर प्लीज. पाकिस्तान कहता है कि उस साइड डेवलप करने के लिए इंडिया कॉस्ट बेयर करेगा क्या उसके लिए? देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस तो आपकी इमेजिनेशन में ही हैं. इन टर्म्स ऑफ अर्जिंग द पाकिस्तान गवर्नमेंट टू डेवलप देयर साइड ऑफ द कॉरिडोर एज़ वेल, व्हाट शेप डज दिस टेक? फॉर्मल टॉक्स, सम सॉर्ट ऑफ The communication. Well, all I can say is that the government of India has always been pursuing this matter. At this stage, I don't want to say anything more. Yes, there are reports saying that, suggesting that there may be the government may announce a full budget rather than going in for a vote on account. I am repeatedly giving you an advice, don't believe your own reports. Anything relating to cabinet decisions, any questions? Or kuch? Any